भागलपुर के बबरगंज थाना अंतर्गत हुसैनाबाद में बीते शनिवार को जोरदार विस्फोट हुआ और एक मकान जमींदोज हो गया और एक युवक की मौत हो गई जबकि 3 जख्मी हैं। लेकिन धमाके की वजह अभी तक सामने नहीं आ सकी है। एटीएस और सीआईडी की अलग अलग टीम जांच के लिए मौके पर पहुंची। 10 सदस्यीय एटीएस की टीम ने घटनास्थल पर मलबों के नीचे से कई सामान जब्त किए। टीम ने मलबों के नीचे दबी मिट्टी, घटनास्थल पर लगे खून के धब्बे, जले हुए सामान के अंश, दीवारों पर लगे बारूद, केमिकल के धब्बे, एक जला हुआ चप्पल सहित कई अन्य सामान को जब्त किया। जो बम फटा था उसमें बारूद का इस्तेमाल किया गया था या फिर केमिकल का, एफएसएल और एटीएस की रिपोर्ट आने के बाद ही इस बात का खुलासा हो सकेगा। हालांकि एटीएस के पदाधिकारियों और कर्मियों ने घटना को लेकर किसी भी तरह की टिप्पणी करने से साफ इनकार कर दिया है, लेकिन टीम के सदस्यों के बीच आपस में हो रही बातचीत से स्पष्ट था कि एक साथ कई सारे बम या विस्फोटक के ब्लास्ट होने की वजह से घटना हो सकती है जिससे पूरा घर ढह गया है। एटीएस की टीम को आशंका है कि बम को जमीन के नीचे दबा कर रखा गया था जिसने ब्लास्ट होने पर और भी भयावह रूप ले लिया। घटना स्थल पर पहुंची सीआईडी और भागलपुर पुलिस की टीम ने आसपास के लोगों से इस बारे में बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन इलाके के किसी व्यक्ति ने घटना को लेकर कुछ नहीं बताया। सभी इस मामले से दूरी बनाते दिखे। भागलपुर के नाथनगर थाना क्षेत्र की शंकरपुर दारापुर इलाके में अंचल कर्मियों के साथ नाथनगर पुलिस व दंगा नियंत्रक पुलिस बल को जाना महंगा पड़ गया। वहां नाथनगर अंचल की अमीन रचना कुमारी और पुलिस बल पर उपद्रवियों ने अचानक पत्थरबाजी शुरू कर दी जिससे पुलिस बल को रोकने में काफी परेशानी हो गई। घटना के बाद नाथनगर पुलिस ने वरीय अधिकारियों को सूचना देकर अतिरिक्त पुलिस बल मंगाया जिसके बाद लोगों पर पुलिस कार्रवाई करने में सक्षम हो पाई। घटना में नाथनगर थाना के सब इंस्पेक्टर दिव्या कुमारी समेत आधा दर्जन पुलिस बल के जख्मी होने की सूचना है। घटना को लेकर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए करीब एक दर्जन से अधिक महिला पुरुष को हिरासत में ले लिया है और थाने ले आई है। मामले पर नाथनगर थाना अध्यक्ष मोहम्मद महताब खान ने बताया कि शंकरपुर दारापुर मौजा निवासी आवेदक पंकज मनी द्वारा अंचल कार्यालय नाथनगर में अपनी जमीन मापी को लेकर आवेदन दिया गया था। विधिवत तिथि निर्धारित होने के बाद अंचल अमीन व अतिरिक्त दंगा नियंत्रक पुलिस बल के साथ 3 को मापी के लिए उक्त भूखंड पर भेजा गया था जहां पहले से कुछ उपद्रवियों ने पुलिस पर हमला करने का प्लान बनाया हुआ था। जैसे जमीन की मापी शुरू हुई वैसे कुछ असामाजिक तत्वों ने पुलिस पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। पुलिस कर्मियों ने किसी तरह भागकर खुद के जान माल की सुरक्षा की। भागने के क्रम में कुछ असामाजिक लोगों ने पुलिस पर लाठियों से भी हमला कर दिया। कुल आधा दर्जन महिला व पुरुष पुलिसकर्मी घटना में घायल हुए हैं। वहीं अतिरिक्त पुलिस बुलाकर मौके से तकरीबन एक दर्जन महिला पुरुष उपद्रवियों को हिरासत में थाना लाया गया। घटना में सरकारी कार्य में बाधा समेत पुलिस के साथ मारपीट, अभद्र व्यवहार करने के आरोप में तकरीबन 25 महिला पुरुष को घटना में नामजद आरोपी बनाया गया है। जो लोग हिरासत में लिए गए हैं उन्हें चिन्हित कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया जाएगा। कुल 16 महिला पुरुष को हिरासत में ले लिया गया है। विवाद छे जमीन रो, जमीन देखो हमरा सनी जमीन छे, 3 पुस्तकरा केस मुकदमा सब हो रहलो छे। आ ई बिशन मुखिया जे बेटा छे दोनों की नाम छे ककरो, पंकज मुखिया रो छोटवा, ई दोनों ना अभी अमीन बोलाय जो झूठो रो पुलिस उलिस लेकर, पुलिस उलिस लेकर अयले। हाँ अब गंदा गंदा हमरा सनी गाली बकर लगले, हम सनी उठलिए तो हमरे सनी को खूब मारलक। ई कितना जमीन रो विवाद छे यहाँ पे? ई कितना छे 16 कट्ठा साइज, 14 बीघा। तो ई जमीन आप लोग का? हाँ सब हमरा से पूर्वजी जमीन। तो फिर आज क्या घटना हुई, कैसे हुआ? मारपीट किया तोरा उस पूछना। हम लोग जब आए ना तो देखे कि यहाँ भीड़ है, नपैया हो रहा है, तो हम लोग नपने नहीं दिए, तो गंदा गंदा बोली बोलने लगा, तो हम लोग गए तो हम लोग को मारने लगा, समझे? इसको खूब लाती मुक्का मारा, पहले तो मेरे में भीड़ा तब इसको मारा। क्या नाम है इसका? सुलेखा देवी। पति का नाम क्या है? महिंदर सिंह। कितने लोग जख्मी हुआ यहाँ पे, चोट लगा किसको? कम से कम ज्यादा इसको लगा। की नाम जगह? सुनीता देवी। उसको हुआ है इतना, हम लोग को भी मारा झोटा पकड़ के नोचा। कौन मुखिया जी मारा? हाँ वही पंकज नाम है। विशुनदेव की नाम है? विशुनदेव मुखिया का बेटा है पंकज। पंकज यहाँ का मास्टर है, वही ना हम लोग का जमीन बेमानी करके बेच रहा है। जमीन ओरिजिनल में आप लोग का या भोलीदारी कर रहे हैं आप लोग? हम लोग 3 पुस्त से हैं, दादा से कर रहा था भोलीदारी, तो हम लोग मतलब जमीन दूसरे का भोलीदारी? हाँ भोलीदारी कर रहे थे, तो हम लोग से पूछना चाहिए। जबरदस्ती पैसा भी पैसा मालिक ले लिए हैं।
पर जब बेटा जो बेटा उसको लिखा माय को हक होना। जमीन किसका था पहले? हिमांशु अग्रवाल का। हिमांशु अग्रवाल का। कहाँ का रहने वाला है ये? नया बाजार का है रहने वाला, नया बाजार रोड का। पुलिस भी आके लाठी चलाया? हाँ, पुलिस भी लाठी चलाया। नाथ नगर का कहता है, नाथ नगर का नहीं है, वो पैसा दे के लाया गया है। नाथे नगर का जो भी हो, ये तीन बार हो चुका। अच्छा, विवाद कौन लोग कर रहा है? विवाद कर रहा है बिशन देव मुखिया। बिशन देव मुखिया अपो उर्फ और उसका दो नाम है, लेकिन हम ऊपर से खाली जानते हैं अपो, वकील मुंशी सब वही है। ये आप लोग किसान है कि दूसरे का? किसान है। आप लोग का खेत है या दूसरे का खेत पर भोलीदारी कर रहे हैं? बटीदारी कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, बटीदारी। क्या नाम आपका? हाँ, नाम क्या है? पप्पू कुमार मंडल। जगह कौन सा है? दारापुर। क्या क्या घटना भी हुआ है? भागलपुर के औद्योगिक थाना क्षेत्र के जीरो माइल के समीप अमित ऑटोमोबाइल में कार्यरत महिला सेल्समैन दीपा की मौत हो गई। पति विकास कुमार ने कंपनी के मैनेजर धीरज झा पर जहर देकर हत्या करने का आरोप लगाया है। पति का कहना है कि मेरे बेटे ने बताया था कि मम्मी का मैनेजर अंकल से झगड़ा हो गया है, जिसके बाद से वो टेंशन में थी। मृतिका पिछले एक साल से अमित ऑटोमोबाइल में काम कर रही थी। वहीं बीती रात अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद कंपनी के कर्मचारी ने महिला को घर पहुंचाया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए महिला को मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मरने से पहले दीपा ने पति को बताया था कि मुझे धीरज नाम के व्यक्ति ने सल्फास खिला दिया है। महिला के पति विकास ने सीधे तौर पर मैनेजर धीरज पर हत्या का आरोप लगाते हुए न्याय की गुहार लगाई है। वहीं दीपा के पति ने बताया कि सुबह मैंने अच्छे से बात की है और अच्छे मन से वो शोरूम काम के लिए भी गई थी। शाम में वहीं के एक स्टाफ का कॉल आया, उसने बताया कि दीपा की तबीयत बिगड़ रही है और जब मैंने देखा तो सचमुच उसकी तबीयत बिगड़ चुकी थी। उसने मायागंज अस्पताल में मुझे बताया कि मैनेजर ने ही मुझे जबरन सल्फाज की गोली खिला दी है। वहीं दीपा के पति ने कहा कि मुझे इंसाफ चाहिए, मेरी पत्नी के साथ जिसने गलत किया है उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। हुआ था? मेरी बेटी को मार दिया, जहर की लागे मार दिया मेरी बेटी को। कौन मार दिया? नाम बोलो। नाम ना, नीरज मिश्रा उर्फ राघव। दीपक धीरज मिश्रा। धीरज मिश्रा क्या करता है? हीरो जो बाइक का शोरूम है उसी में मैनेजर है। और दीपा वहीं काम करती थी? दीपा वहीं काम करती थी। तो इस सूचना आप लोग को कब मिला कि जहर खा लिया? 6:30 बजे शाम में। घर यही भी नहीं, नहीं जो लेके आया वो नहीं बताया कि जहर का आया। वो बताया कि गैस उसको हो गया है, गैस से ही उल्टी कर दी है, इसका तबीयत गर्मी से खराब हो गया है। आप लोग का क्या अनुमान है? मैं हम लोग का अनुमान, बच्ची मेरी सुबह बहुत अच्छा से गई है, उन लोग कुछ खाना में मिला के खिला दिया मेरी बेटी को, कुछ कर दिया। दीपा हीरो शोरूम में काम करती थी, क्या करती थी, कौन काम करती थी? सेल्स मैनेजर, सेल्स वाला काम करती थी। आज हुआ था शाम में, मेरे से बातचीत अच्छा से हुआ, सुबह ऑफिस भी गई बढ़िया से, ठीक है। हीरो शोरूम है ना जीरो माइल के पास, वहाँ काम करते थे, वहाँ से आज सुबह भी आराम से गई थी, शाम में मेरे से बातचीत भी हुआ। उसके बाद वो बोली हम करते हैं आपको बाद में फ़ोन, उसके बाद फ़ोन करने के फ़ोन नहीं आया। इसके बाद एक स्टाफ का फ़ोन आया कि ऐसा ऐसा बात है, उल्टी उल्टी कर रही है, उसका तबीयत बहुत जोर लगता ख़राब है। तो वहाँ का एक स्टाफ लेके आया, जो कि हम उसको है ना यहाँ पर मनाली चौक पर फिर ना फिर हम लेके उसको घर गए, घर लेके गए, वहाँ पर फर्स्ट में एडमिट किए। वो बोला कि इसका पल्स बीपी जो है ना बहुत कम चल रहा है, तो इसको मायागंज लेके जाइए। तो फिर मायागंज लेके आए तो मायागंज में बताई कि हमको ना वहाँ सल्फास दे दिया, और वो लड़का का नाम है धीरज। क्या है धीरज? मैनेजर है वहाँ का। उर्फ राघव। कौन सा शोरूम है? हीरो होंडा। कहाँ? अमित, अमित, अमित हीरो। कहाँ पे है ये? जीरो माइल के पास। दीपा कौन थी आपकी? मेरी वाइफ थी। तो आपको क्या अनुमान है, इसका हत्या किया गया ना? हाँ, वहाँ पे उसके वजह से, वो वही लड़का के वजह से सारा काम हुआ है, वही सडियन करके मार दिया जहर देके। बोलो, ठीक है, उसके साथ वो क्या किया है नहीं किया हमको इस चीज़ का नहीं खबर है, लेकिन हाँ वो उसी के वजह से सारा काम हुआ है, ठीक है।
हमको बस इंसाफ चाहिए, उसको छोड़ेंगे नहीं। अभी थाना गए थे? थाना गए हैं, थाना में भी बोले हैं, थाना वाला बोला सुबह जो होगा सुबह होगा। अब थाना वाला उससे क्या बात किया नहीं किया वो लोग के ऑनर से ये नहीं मालूम हमको। आपके शहर भागलपुर में स्पाइकर के एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम में इस सीजन का सबसे धमाकेदार ऑफर, बाय टू गेट टू, बाय वन गेट 20% डिस्काउंट, बाय टू गेट 30% डिस्काउंट। यहां आपको स्पाइकर की शर्ट, जीन्स, टी शर्ट के लेटेस्ट डिजाइन के अलावे बेल्ट, डियो, परफ्यूम भी मिलता है। तो चले आइए स्पाइकर के एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम में और इस शानदार ऑफर का लाभ उठाएं। तो आज ही पधारे स्पाइकर एक्सक्लूसिव शोरूम, पटल बाबू रोड, रिलायंस ट्रेंड्स के सामने, भागलपुर। आपके शहर भागलपुर का पसंदीदा शोरूम डी कोट लेकर आया है इस सीजन का सबसे बम्पर धमाकेदार ऑफर, बाय वन गेट थ्री, बाय टू गेट फोर, बाय वन गेट 50% डिस्काउंट। डी कोट एक्सक्लूसिव स्टोर, कपड़ों की दुनिया के जाने माने नाम, डोनियर की फैशनेबल प्रस्तुति डी कोट एक्सक्लूसिव स्टोर, मैंस वियर की दुनिया का एक भरोसेमंद नाम डी कोट एक्सक्लूसिव स्टोर। यहां आकर्षक रंगों और नए ट्रेंडी डिजाइन में पुरुषों के कपड़ों की भव्य रेंज उपलब्ध है, डेनिम, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर, पैंट, जैकेट, ट्रैक पैंट, लोअर सहित मेंस पार्टी वेयर, फॉर्मल वेयर की विशाल श्रृंखला मिलेगी, वो भी बिल्कुल नए डिजाइन और रंगों के साथ। तो चले आइए डी कोट और लगन के मौसम में इस भारी छूट का लाभ उठाएं। हमारा पता है डी कोट, पटल बाबू रोड, स्पाइकर शोरूम के बगल में, रिलायंस ट्रेंड्स के सामने, भागलपुर। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है, जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। सीएम नीतीश कुमार की अगुवाई में विपक्षी एकता की बैठक हुई, सभी दल के नेता पटना में एकजुट हुए और नीतीश कुमार को संयोजक बनाया गया। इस बैठक को हास्य का विषय बताते हुए भाजपा ने तंज कसा है। भागलपुर पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि ये भ्रष्टाचारियों की बारात आई थी लेकिन इस बारात में दूल्हा ही फेल है, बिना दूल्हा के बारात किस काम की। वहीं उन्होंने कहा कि 2024 में नरेंद्र मोदी की सरकार 400 पार करेगी और 2025 में बिहार में भी भाजपा की सरकार बनेगी। मैं दूल्हा नहीं, मैं तो बारात वालों को आशीर्वाद देने के लिए खड़ा रहूंगा और भारतीय जनता पार्टी 24 में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी इस अब की बार 400 पार और 2025 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिहार में बनेगी। भागलपुर के नवगछिया में एक दुर्लभ प्रजाति का सांप मिला है। प्रबत्ता थाना क्षेत्र के खगड़ा गांव में पन्नालाल सिंह के घर के पास यह दुर्लभ सांप लोगों ने देखा। इस सांप का नाम सेंड बोआ है, जिसे भारत में रेड सेंड बोआ सांप भी कहा जाता है। स्थानीय स्तर पर सेंड बोआ को दो मुंह वाला सांप भी कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सेंड बोआ की कीमत काफी ज्यादा है, इसलिए इसका अवैध व्यापार भी होता है। प्रत्यक्षदर्शी रोनित सिंह ने बताया कि घर के पीछे मकान का काम चल रहा था, जहां पर मजदूर पहले से रखे ईंट को हटा रहे थे, उसी वक्त ईंट के बीच में बड़ा सा सांप लोगों ने देखा। मोहल्ले के लोगों ने लाठी और अन्य उपकरण से बड़ी मशक्कत के बाद सांप को रेस्क्यू कर डब्बे में बंद किया। फिर फॉरेस्ट रेंजर पीएन सिंह को सूचना दी गई, जिसके बाद फॉरेस्ट की टीम ने आकर सांप को अपने साथ ले गई। हमारे घर के पीछे मकान संबंधी कार्य चल रहे हैं, जहां पर कुछ पुरानी ईंटें रखी हुई है, उसी ईंट को हटाने के क्रम में मजदूर को एक बड़ा सा सांप दिखा। मजदूर ने सांप को देखकर सांप सांप का आवाज लगाया, जहां पर हम लोग गए और सांप को देखा। फिर हम लोगों ने लाठी और कुछ अन्य उपकरण की मदद से सांप को बहुत मशक्कत से रेस्क्यू किया और उसको डब्बे में बंद किया। फिर उसको फॉरेस्ट पीएन सिंह जी हैं,
उनको हमने कॉल किया, उनको बताया, उनको सांप का पिक भेजा, तो उन्होंने बताया यह सैंड बोआ सांप है, यह बहुत ही दुर्लभ प्रजाति का सांप है। फिर उन्होंने एक टीम भेजी और वो टीम जो हमने हम लोगों ने उस सांप को डब्बे में बंद किया था, उस सांप को टीम वापस से ले गई। बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून लागू है और इसका पालन कड़ाई से कराने की जिम्मेदारी प्रशासन और अन्य विभागों की भी है। इसके लिए प्रयास भी किए जा रहे हैं, लेकिन अगर बिहार में शराब पीते किसी सरपंच को देखा जाए तो आपको कैसा लगेगा? बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बावजूद यहां शराब पीने पिलाने पर रोक नहीं लग पा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसे सख्त बनाने के लिए कानून में कई संशोधन कर चुके हैं, लेकिन सरकारी विभागों के लोग ही उनकी कोशिशों पर पलीता लगा रहे हैं। ताजा मामला नवगछिया के खरीक थाना क्षेत्र के तुलसीपुर से सामने आया है, जहां तुलसीपुर पंचायत के सरपंच शराब पार्टी में बैठकर शराब पीते दिख रहे हैं। शराब पार्टी का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस सरपंच का नाम गोविंद कुमार बताया जा रहा है। वीडियो में सरपंच काले शर्ट में कुर्सी पर बैठा है और सामने बैठा एक व्यक्ति पैक बना रहा है और शराब पार्टी के मजे ले रहा है। वायरल वीडियो में कई और लोग भी मौजूद हैं। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद नवगछिया पुलिस इस मामले पर क्या संज्ञान लेती है, ये देखना शेष है। भागलपुर जहां बम धमाके से लगातार दहल रहा है, वहीं चार राउंड गोली चलने से बबरगंज थाना क्षेत्र में फिर हड़कंप मच गया। मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि थानेदारों का हनक अपराधियों पर नहीं दिख रहा है। दिन दहाड़े नशेड़ियों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि कभी भी हल्की फुल्की विवाद पर गोली फायरिंग करने से पीछे नहीं हटते। बबरगंज थाना क्षेत्र के अलीगंज महेशपुर हरिजन टोला में नशे के कारोबारियों और नशेड़ियों के बीच हल्के विवाद में लगातार एक घंटे के अंदर चार गोली फायर की गई। हालांकि किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। वहीं गोली चलने की सूचना के बाद में दहशत का माहौल है। हम सोए हुए थे। अच्छा। तो हमको पता चला कि जो है गोली चला तो हम उठ के खड़ा हुए हैं, देखते हैं कि भाई यहाँ से जो है दूसरी एक मोटरसाइकिल गया इधर, फिर गया, फिर सामान भी था, सामान लेकर फिर अंदर गया। इसके बाद तो फिर सुनते हो गया दो गोली जो आसमानी फायरिंग हुआ। इसके बाद फिर अभी भी देखते हैं थोड़ा देर पहले, इसके बाद जो है गोली फायरिंग हुआ। पुलिस आई है? हाँ, प्रशासन आए, इसके बाद अंदर गए। अंदर में जाने के बाद फिर क्या हुआ नहीं हुआ हम तो बाहर। दो बार गोली चला है क्या? हाँ, मतलब अलग अलग टाइम पे। हाँ, पहले चला है दो गोली, फिर चला है दो गोली, चार गोली। हाँ, कितने बजे की घटना है ये? ये है आपका 5 बजे और एक है 6:30 बजे। जोगसर थाना क्षेत्र के खरमनचक के पास गाय ले जा रहे 3 युवकों को 20 से 25 युवकों के द्वारा गाय चोरी कर ले जाने के आरोप में 2 युवक की पिटाई कर दी गई, जिसमें एक युवक काफी चोटिल हो गया। दरअसल बड़ी खंजरपुर के रहने वाले मोहम्मद रशीद साजंगी हटिया से गाय खरीदकर अपने 2 साथियों के साथ बड़ी खंजरपुर जा रहे थे। इसी क्रम में खरमनचक के पास युवकों के झुंड ने गाय चोरी कर ले जाने के आरोप में 2 युवक की पिटाई कर दी, जिसमें एक युवक को ज्यादा चोट आई। वहीं मौके पर पुलिस तब पहुंची जब पीटने वाले सभी युवक वहां से फरार हो गए थे, जिसके बाद घायल युवक को परिजन जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल ले गए हैं। क्या घटना हुई है? घटना ये हुआ कि साजंगी हटिया से त्योहार का टाइम है, जानवर लेके आ रहा था, ठीक है, 3 लड़का मिल उसके बाद नागर मोल के सामने जो राजेश वर्मा के सामने है, सब बुला के पूछा, चलने का अच्छा बोलने लगा चोर है
बोल के इतना बुरी तरीके से मारा कि वो चलने के लायक भी देख सकते हैं। जिनको मारा उसका मोहम्मद राशिद है, बड़ी तंजरपुर का रहने वाला। और गाय किनका था? गाय किनका था? राशिद का। राशिद का गाय। हाँ। कहाँ से कहाँ लेके जा रहा था? साजंगी से लेके बड़ी खंजरपुर जा रहा था, उसी के बीच में यहाँ मारा गया। साजंगी से लेके आ रहा था। इसको ज्यादा लगा, एक तो कम लगा। कितने लोगों के द्वारा इन लोगों को मारा गया? ये 20-25 आदमी था। किसी का पहचान हो पाया अभी? पहचान वहाँ पर कैमरा लगा हुआ, सीसी कैमरा लगा हुआ है, और पहचानता भी है, इसको होश होने के बाद बताएगा। पहचान रहा है? हाँ, दो तीन लोग पहचान रहा, और कैमरा में सब आया हुआ। जिसको मारा है उसका क्या नाम है? उसका नाम तो पूछा जाएगा। क्या नाम है इसका? जिसको मारा तो उसका नाम है राशिद। जिसको मारा क्या करता है? पढ़ाई करता है, ग्रेजुएशन बीए किए हुआ। बीए कहाँ? घर है? बड़ी खंजरपुर। घर बड़ी खंजरपुर, थाना बरारी, बड़ी खंजरपुर मस्जिद के पास रहने वाला निवासी। 2024 लोकसभा चुनाव की रणभेरी मानो बच चुकी है। कभी भाजपा के प्रदेश के नेता भागलपुर पहुंच रहे हैं, तो कभी राजद तो कभी लोजपा। उसी बीच आज जदयू के भागलपुर प्रभारी राजेश कुशवाहा भागलपुर पहुंचे और अपनी पार्टी को मजबूत करने को लेकर अहम बैठक की। बैठक के दौरान कई प्रखंडों के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद थे। उन्होंने कहा, वार्ड स्तर पर सशक्त कमेटी के निर्माण को लेकर हम लोग लगे हुए हैं और उम्मीद है इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में हम लोग 40 में 40 सीटें लाएंगे। वहीं बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि इस बार बीजेपी घबराई हुई है क्योंकि उसे एक भी सीट मिलने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन की पटना में हुई बैठक के बाद बीजेपी को परसव पीड़ा शुरू हो गई है, अनेक तरह का बयान घबरा कर देने लगे हैं। हम लोगों का पहला मकसद है बीजेपी मुक्त भारत बनाना। बैठक के दौरान महानगर जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजदीप राजा के अलावे कई वार्ड सेक्टर अध्यक्ष और वार्ड अध्यक्ष मौजूद थे। सभी आदमी सोचते हैं कि हम 40 में 40 सीट, हर पार्टी सोचेगा कि हम जीत लें, उसमें रणनीति भी बनाते हैं, लेकिन उनकी घबराहट देख के तो ये लग रही है कि एक भी सीट उनको नहीं आने वाला। जिस तरह से बिहार में विपक्षी दल की बैठक हुई, लग रहा था कि बीजेपी को परसव पीड़ा शुरू हो गया, वो छटपटाने लगे, अनेक तरह का बयान सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया पर देना शुरू कर दिया। वो उनकी घबराहट की पहचान है कि वो घबरा गए हैं कि मुझे अब एक भी सीट बिहार में नहीं आएगी। हम तो यही कहेंगे, नीतीश सरकार में आप जहां भी खड़ा हो जाएंगे वहां उनकी उपलब्धियां देखने को मिल जाएगी। जहां आप खड़ा हो जाएं, चाहे रोड सेक्टर हो, चाहे बिजली सेक्टर हो, चाहे हॉस्पिटल सेक्टर हो, चाहे जो भी सेक्टर हो, कोई भी सेक्टर अछूता नहीं है जिसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी ने बहुत अच्छा काम नहीं किया। देखिए, ये हमारे मुख्यमंत्री पहले बोल दिए हैं कि हमें ये अभी करना है कि बीजेपी को कैसे हटाना है। अभी तो वो खुद भी बोल रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री का दावेदार नहीं हूं। वो तो जब हम लोग सीट जीत के आएंगे तब निर्णय हो जाएगा कि कौन बनेंगे। भागलपुर में एम्स की तर्ज पर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनकर तैयार किया जा रहा है। 200 करोड़ रुपए की लागत से यह अस्पताल बनाया गया है। लगभग 6 बार इसका डेट लाइन फेल हो चुका है। अब उम्मीद जताई जा रही है कि 3 माह के अंदर अस्पताल शुरू हो जाएगा। भागलपुर का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल लगभग बनकर तैयार हो गया है। उम्मीद जताई जा रही है कि सितंबर से अस्पताल शुरू हो जाएगा। इसमें कई तरह की सुविधा उपलब्ध होगी। आपको बता दें, जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल मायागंज का ही यह एक पार्ट है। इसके शुरू होने से मायागंज अस्पताल पर मरीजों की संख्या में कमी आएगी। अस्पताल निर्माण का कार्य देख रहे डॉक्टर महेश कुमार ने बताया कि इसका कार्य लगभग अंतिम चरण पर है। अब सरकार ह्यूमन पावर दे दे तो इसको जल्द से जल्द शुरू किया जाएगा। इसमें ऐसी कई मशीनें भी हैं जो अन्य अस्पताल में नहीं है। इससे भागलपुर व आसपास के क्षेत्र के मरीजों को काफी लाभ होगा। जिस इलाज के लिए भागलपुर से बाहर जाना पड़ता था, अब वो भागलपुर में ही संभव हो जाएगा। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में 8 विभाग होंगे। अभी तक भागलपुर में ये सब विभाग नहीं थे। नेफ्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, कार्डियोलॉजी सहित कई तरह के इलाज यहाँ संभव है। इससे अब यहाँ के मरीजों को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज आप सब लोग के बीच में हम लोग हैं
और इस हॉस्पिटल का निर्माण करीब करीब 98% से ज़्यादा पूरा हो चुका है। इसके सारे बिल्डिंग के काम पूरे हो गए हैं, बिजली के काम पूरे हो गए हैं। थोड़ी थोड़ी जो त्रुटियां हैं उसके लिए जो भी कंसर्न एजेंसीज है सारे लोग के रिप्रेजेंटेटिव आए हुए हैं और हम लोगों ने पूरे हॉस्पिटल का भ्रमण करके देखा है, जो कमी है उसको जल्दी से जल्दी पूरा करने का हम लोग उसको निर्देश दे रहे हैं और उम्मीद है कि जल्दी ही अब इस अस्पताल को हम लोग अपने अंडर में ले लेंगे। ये अस्पताल जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज का ही एक विंग है, सुपर स्पेशलिटी विंग, और फिर हम लोग ले लेंगे। सरकार हम लोगों को मैन पावर का इंतजाम करते हैं कि जल्दी से जल्दी इस अस्पताल को हम लोग को शुरू करना है। सर उम्मीद कब तक है कि कब तक शुरू हो जाएगा? ये कहना तो मुश्किल है लेकिन हमको लगता है कि 2-3 महीनों में इसका सब काम कुछ हो जाएगा। कई खामियां देखी गई सर लगातार, छोटी छोटी खामियां इतने बड़े स्ट्रक्चर को बनाने में होती है, वो तो 100% कोई भी माने पूरा नहीं हो सकता है, लेकिन उसी खामियों को ठीक करने के लिए हम लोग सब लोग एकत्र हुए हैं। किस तरीके से मरीज सर इसका लाभ ले पाएंगे? ये इस हॉस्पिटल का जो कंसेप्ट है 8 विभाग इसमें खुलेंगे जो भागलपुर में अभी तक नहीं है, जिससे नेफ्रोलॉजी है, यूरोलॉजी है, न्यूरोसर्जरी है, न्यूरोलॉजी है, कार्डियोथोरेसिक सर्जरी है, कार्डियोलॉजी है, ट्रॉमा है और ICU है। ये सब सुविधा अभी तक इस शहर में कम ही था उपलब्ध, तो हम लोग चाहेंगे कि इस जगह के लोगों को और अगल बगल के लोगों को भी इसकी सुविधा हम लोग दे पाएं। दहेज प्रथा एवं बाल विवाह बहिष्कार की मसाल को लेकर आगे बढ़ने वाले कन्या विवाह और विकास सोसाइटी ने एक अनोखी पहल की है, जिसमें 51 महिलाओं का सामूहिक विवाह समारोह 28 जून को भागलपुर के पॉलिटेक्निक कॉलेज मैदान में कराने का निर्णय लिया गया है। वहीं कन्या विवाह और विकास सोसाइटी के सचिव विकास कुमार माली ने बताया, हम लोगों ने बाल विवाह और दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए संकल्प लिया है। इसमें हम लोगों ने कई जगहों पर ऐसा कार्यक्रम किया जिसमें गरीब कन्याओं का विवाह अच्छे तरीके से फल हो पाया। जिनके माता पिता आर्थिक रूप से काफी कमजोर थे उन्हें काफी सहयोग मिला। साथ उन्होंने बताया कि इसमें हिंदू लड़के लड़कियों का विवाह उनके रीति रिवाज से होगा और मुस्लिम लड़के लड़कियों का निकाह उनके रीति रिवाज से होगा। साथ ही जितने भी कन्याओं का विवाह होगा उन्हें घरेलू सामान देकर विदा किया जाएगा। साथ उन्होंने बताया कि भागलपुर व भागलपुर के आसपास के 4 से 5 जिलों की कन्याओं का विवाह 28 जून को होना है। भागलपुर प्रशासन से लेकर आमजनों तक को उन लोगों ने इन सामूहिक विवाह समारोह में आने के लिए अनुरोध किया है। कन्या विवाह और विकास सोसाइटी के सचिव विकास कुमार माली ने कहा कि जो लड़के बेरोजगार होंगे वैसे लड़कों को मुख्यमंत्री उद्यमी योजना से लाभ भी मिलेगा, जिससे वो विवाह के बाद अपना घर गृहस्थी को ढंग से चला सके। भागलपुर के अगल बगल करीबन 4-5 डिस्ट्रिक्ट से सभी कन्याओं का चयन किया गया है जो बिल्कुल असहाय गरीब अनाथ थे। उनके माता पिता को हम लोगों ने एक आश्वासन दिया था कुछ दिन पहले, हमारे जिला प्रबंधक के जरिए सर्वे करवाया गया था निक्की के जरिए, कि जो भी भागलपुर ज़िले में वैसी कन्याएं हैं जिनके माता पिता विवाह करने में असमर्थ हैं और चाहे उनके विवाह में किसी तरह की परेशानियां हो रही हैं, तो उन लोगों का चयन करके हम लोगों को सूची दिया जाए और हम लोग तमाम मीडियागण के समक्ष, जनप्रतिनिधिगण के समक्ष, यहाँ के प्रशासन पदाधिकारी के समक्ष हम लोगों ने एक बाल विवाह दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए यह जिला बाई जिला हम लोग योजना चला रहे हैं, जागरूकता करने का प्रयास कर रहे हैं और वो प्रयास की सफलता मुझे तभी मिल पाएगी जब हमारे यहाँ के प्रशासन, यहाँ के जनप्रतिनिधि एवं हमारे मीडिया बंधु सभी लोग अगर आप लोग कॉपरेट करते हैं तो ये जमीनी स्तर पर हम लोगों ने बाल विवाह और दहेज प्रथा मिटाने का जो संकल्प लिया है अपने पदाधिकारियों के सहयोग से वो जमीनी स्तर से हम लोग सफल कर पाएंगे। पुलिस की अवैध वसूली, अवैध खनन एवं ओवरलोड के खिलाफ बिहार ट्रक ओनर एसोसिएशन के नेतृत्व में राज्य कार्यकारिणी एवं जिला कार्यकारिणी का एक दिवसीय बैठक का आयोजन भागलपुर के एक स्थानीय होटल में किया गया। बैठक में विभिन्न जगहों से आए ट्रक ओनर ने कहा कि NH-80 पर अवस्थित कुछ थानों को छोड़कर लगभग सभी थाना प्रभारी द्वारा अपने दलाल के माध्यम से व्यावसायिक वाहनों से धड़ल्ले से अवैध वसूली कराई जाती है। उन्होंने कहा कि अवैध खनन और ओवरलोडिंग को लेकर भी ट्रक एसोसिएशन काफी परेशान है, जिसको लेकर बैठक में लगभग 18 जिला के लोग पहुंचे थे। भागलपुर जिले से लगभग 18 जिलों की गाड़ियां गुजरती हैं। लगभग सभी जिले की शिकायत ट्रक मालिकों से लिखित या मौखिक मिल रही है कि भागलपुर जिले के जगदीशपुर, कजरेली, सहकुंड, बाथ, जीरो माइल, सबौर, शिवनारायणपुर एवं सनहौला आदि जगहों पर माइनिंग एक्ट के नाम पर एवं शराब जाँच के नाम पर गाड़ियों को रोक कर अवैध वसूली की जाती है। यह कहीं से सही नहीं है।
इसके जिम्मेदार जिला के मुखिया जिलाधिकारी हैं। अगर वो पुलिस महकमे को मजबूर कर दे और सही से कार्य कराए तो शायद ट्रक चालकों को इस तरह की बेवजह परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार भागलपुर में मूसलाधार बारिश हुई। बारिश से शहर पानी पानी हो गया, लेकिन भीषण गर्मी और उमस से बहुत राहत मिली है। मानसून के प्रवेश करने के बाद भागलपुर में यह पहली बारिश है जिससे लोगों के चेहरे खिल उठे हैं। बारिश होने से शहर का मौसम खुशनुमा हो गया। आसमान में चारों तरफ काले बादल को देख कर लोगों को मानसून का एहसास हो रहा है। वर्षा होने के बाद तापमान में भी गिरावट देखने को मिली। अधिकतम तापमान 40 डिग्री से नीचे लुढ़क गया है। तेज हवा और बारिश के कारण शहर में कुछ देर के लिए बिजली आपूर्ति बाधित रही, लेकिन कई दिनों से लोगों को बारिश का इंतजार था। तापमान में वृद्धि होने के कारण झुलसा देने वाली गर्मी से लोग परेशान थे, लेकिन दोपहर में अचानक हुई बारिश से मौसम सुहाना हो गया। वहीं किसानों को भी मानसून के इस बारिश से बहुत राहत मिली है।